कलाकार होके कैरेक्टर में ट्रैवलिंग करता है तो बहुत समय आराम से डील करता है. लाइक हिम, वो कैरेक्टर बन के गए थे तो उनको पूरे सीन में कहीं भी तकलीफ नहीं हुई, लेकिन उनको वो जब एक्टर बन के गए कि सिर्फ एक्टर की कैरेक्टर तो देखा जाएगा कर लेंगे, तब वो कहीं ना कहीं स्टक हो गए. और फ्रेम में कभी भी एक्टर दिखे ये ज़रूरी नहीं है. एक्टर तो वो बॉडी है ना जो सोल यानी कि कैरेक्टर को लेकर गवर्न करता है, ट्रैवल करता है, वो उस घटना में जीता है और जब वो घटना पूरी हो जाती है वो वहीं छोड़ के चला जाता है. पात्र उसके साथ नहीं जाता, एक्टर के साथ नहीं जाता, पात्र वो वहीं छूट जाता है. समझा पा रही हूँ? ठीक. सो एक्टर टू कैरेक्टर की जर्नी आज हमने देखी, कैरेक्टर टू एक्टर की जर्नी देखी, जो स्टक हो गए हैं एक्टर उनके बारे में हमने बहुत डिटेल में देखा कि वो कहाँ कहाँ लैक कर रहे हैं. कैरेक्टर जहाँ उनका कि कैरेक्टर बन के गए लेकिन सामने वाले एक्टर ने उनको इतना इम्पोज किया कि वो कुछ सोच ही नहीं पाए. तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम जो भी सोच के जाते हैं स्टेज पे या एक्टिंग करने के लिए वो पूरा का पूरा सामने वाला परसीव करे या हमें पूरा का पूरा स्पेस दे. तो गुंजाइश रख के जानी पड़ती है सब कुछ कि मैं ये करूँगा, अगर सामने वाला ये किया तो उसके लिए जगह छोड़ूँ. इसीलिए इम्पल्सिव एक्टर होना भी बहुत ज़रूरी है. इम्पल्स इसमें बहुत काम करता है. इम्पल्स के अंदर मेमोरीज बहुत सारी होनी चाहिए. तो आप अपने आसपास जितने भी लोग हैं उसको ऑब्जर्व कीजिए, जीवन के हर एक पल को बड़ी गहराई से देखिए, वो आपको बहुत कुछ देगा और वो यहाँ आकर उसकी एक्सरसाइज.